दोस्तों, अगर आपके 7 से 8 व्यू आ रहे हैं तो खाली एक बटन यूट्यूब में आप दबाओ, उसके बाद देखो कि व्यू भी आएंगे आपके ज्यादा ज्यादा और वीडियो वायरल भी होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा भाई कौन सा बटन है जो कि इनको पता है हमें नहीं पता, जो कि इन्होंने दबाया हमने नहीं दबाया। कोई ऐसा बटन यूट्यूब में बना ही नहीं जो कि आपका वीडियो वायरल कर दे, आपको अच्छे खासे व्यू दिला दे। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, अधिकतर यूट्यूबर इसी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। भाई अगर आपके 7 से 8 व्यू आ रहे हैं तो ये सेटिंग कीजिए, अगर 10 से 20 व्यू आ रहे हैं तो ये बटन दबाइए, अगर इतने व्यू आ रहे हैं तो रात के टाइम वीडियो डालिए, वो टाइटल डालिए, वहाँ का किसी और चैनल का नाम को अपने चैनल में डालिए, तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। इस टाइम सारे यूट्यूबर नहीं बोलूँगा, थोड़े बहुत जो कि इसी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और वो भी कुछ तो ऐसे हैं जो कि इसी पे कंटिन्यू बनाए जा रहे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं उनको पता है कि अधिकतर यूट्यूबर है जिनके व्यू नहीं आ रहे तो वो देखेंगे तो इसलिए वो इसी टॉपिक को खींच रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक में बात करने जा रहा हूं मैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और आप वेलकम बैक दोस्तों मेरे इस नए ब्लॉग में, और हाँ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग आप तक पहुँच सके। पहली बार दोस्तों, एक यूट्यूबर का काम क्या होता है? एक यूट्यूबर का काम होता है अपने व्यूअर्स को सही जानकारी देना, उनको खाली वीडियो बनाने से मतलब है, उनको कंटेंट देना अपना डेली, और इसलिए वो ब्लॉग बना देते हैं डेली और लोग देखते भी हैं क्योंकि लोगों की मजबूरी है, क्योंकि उनके व्यू नहीं आ रहे। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। और जहाँ तक सेटिंग का सवाल है दोस्तों, पहली बात तो ऐसी कोई फील्ड बनी नहीं है जो कि आपका वीडियो वायरल कर दे, आपके व्यू बढ़ा दे। यूट्यूब में जितने भी फील्ड है वो बिल्कुल सिंपल है, जो कि नॉर्मल बंदा भी आराम से उसको पढ़ सकता है, उसको पता है इन फील्ड के बारे में कि कैटेगरी कहाँ है, लैंग्वेज कहाँ है, टाइटल कहाँ है, डिस्क्रिप्शन कहाँ है, टैग्स कहाँ है, ये सब उसको पता है, और कैसे फील्ड करना है वो भी उसको पता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब कौन सी सेटिंग की बात करें वो पता नहीं, वो तो उनसे जाके पूछना पड़ेगा, बट जो फील्ड मैंने देखी है यूट्यूब में सारी की सारी सब नॉर्मल ही है, जो कि एक हर कोई उन फील्डों को भर सकता है, क्लिक कर सकता है। क्या बात है सर, ये बात है। कुछ फील्डें तो ऐसी है जब आप चैनल क्रिएट करते हो तब आप उसी टाइम भर देते हो उनको, और कुछ फील्डें ऐसी है जब आप वीडियो अपलोड करते हो तब उन फील्डों को भरना होता है, फिल करना होता है, तो वो अधिकतर बंदों को पता ही है या कुछ यूट्यूब से देख के वो फिल कर देते हैं। तो ऐसा कोई बटन है ही नहीं कि जो कहते हैं कि बटन दबा के आपके वीडियो वायरल होगा, तो भाई ऐसा कौन सा बटन है जो कि वीडियो वायरल कर देगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब देख सकते हो साइड मेरी मोबाइल की स्क्रीन, अब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो बोलते हैं कि भाई टाइटल डालना चाहिए सही से, मैं इतना भी नहीं डालना चाहिए, जो बिल्कुल ही कीवर्ड वहाँ से सर्च करके यहाँ लाओ, फिर डिस्क्रिप्शन में टैग डालो, हैशटैग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये सेटिंग करो, ये बटन दबाओ, उसके बाद जब आपकी वीडियो वायरल, तभी वीडियो वायरल नहीं होती। और ये देखिए बिल्कुल सिंपल जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें खाली सिंपल सा टाइटल डाल रखा है, फ़ोन पे पासवर्ड लगा के भूल गया, और लगा के भूल गया के बीच में दो उसने स्पेस लगा रखा है, और तब भी इसके बाद भी इसका जो वीडियो है वो वायरल हो गया और इसके 1.5 करोड़ इसके व्यूज़ इसमें। और ये इसका जो ब्लॉग है ये पहले का ब्लॉग है, जो कि फर्स्ट टाइम इसने शुरुआत की थी उस टाइम का ब्लॉग है जब इसके बहुत कम व्यूज़ आते थे, और ये तब का हुआ है ब्लॉग, और उस टाइम ये वायरल हो गया था, और इसी ब्लॉग की वजह से ये इस टाइम आज के टाइम पे नंबर 1 ब्लॉगर है, जिसे आप जानते होंगे सौरभ जोशी। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, जो कि बोलते हैं भैया ये सेटिंग करो, ये बटन दबाओ, वो करो, ये करो, टैग लगाओ, सही से कीवर्ड लगाओ, तो ये सब ठीक है, मायने रखते हैं, बट इतना भी मत घुस जाओ कि बिल्कुल ही हद ही कर दो। और अधिकतर ऐसे ब्लॉगर, इस टाइप के ब्लॉगर आपको मिल जाएंगे जो कि यही कहते हैं कि अगर 7 से 8 व्यू आ रहे तो ये सेटिंग करो, बटन दबाओ, वो करो, टैग्स लगाओ, टाइटल डालो, दूसरे के चैनल का नाम अपने चैनल में डालो, मतलब कि डिस्क्रिप्शन के अंदर डालो हैशटैग लगा के, तो ये सब जो वो कहानी बनाते रहते हैं। और ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हो इसका देख सकते हो, चैनल बिल्कुल सिंपल है, टाइटल बिल्कुल सिंपल डाला है, और डिस्क्रिप्शन देखिए इसका बिल्कुल सिंपल, इंस्टाग्राम आईडी डाल रखी है, कुछ लिखा हुआ है, और उसके बाद माय ब्लॉगिंग सेटअप बस, और इसके अलावा आपको कोई कुछ दिख रहा हो तो मुझे बताओ, ये देखिए। और इसके बाद भी उसके 1.5 करोड़ व्यूज़, मतलब लाख भी नहीं, सीधा 1.5 करोड़ व्यूज़, और इसी से ये सक्सेस भी हुआ है। मेरा दिखाने का मकसद एक ही है कि दोस्तों मान्य रखता है, बट इतना भी उसके अंदर ना घुस जाओ कि बिल्कुल ही और चीज़ आप जो भूल जाओ, जो कि सही चीज़ है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जो कि आपका कंटेंट है, जो कि आपका थंबनेल मैन है, ये चीज़ जो की है बहुत मैंने यूट्यूब में, बट आप वो ना करके उनके चक्कर में पड़ जाते हो, जो कि उल्टे सीधे बोलते रहते कि ये सेटिंग कर दो, वो सेटिंग कर दो, और उससे होता क्या है बताऊँ, जब आप सेटिंग वगैरह करते हो उल्टी सीधी, उससे होता क्या, जब आपका चैनल मोनेटाइज ले जाता है तब बहुत सारे बंदे का मैंने देखा है जो कि उनका मोनेटाइज रिजेक्ट हो गया, इसी कारण वो उल्टे सीधे टाइटल वगैरह इधर डाल देते हैं, उधर कर देते हैं, किसी का चैनल का नाम अपने में डाल देते हैं, तो वो
मोनिटाइज नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो ना देखो, वीडियो देखो, बट अपना दिमाग भी खोल के रखो कि भाई क्या सही बता रहा है क्या गलत बता रहा है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। जब तक व्यूअर्स आपका वीडियो क्लिक नहीं करेंगे तो वायरल का तो कोई कितने भी आप बटन दबा दो वायरल कभी हो ही नहीं सकती। जब तक व्यूअर्स आपके वीडियो में क्लिक नहीं करेंगे, आपका वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे, तो मैंने आपके व्यूअर्स जो कि आपका वीडियो वायरल करते हैं, आपके व्यूज़ बढ़ाते हैं, आपके सब्सक्राइब बढ़ाते हैं, तो उनका बटन कौन दबाएगा? वो आप ही को दबाना पड़ेगा अपने थंबनेल अच्छे से डाल के, अपना कंटेंट अच्छा सा देखें। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। और मेरे भी व्यू आप ही की तरह हैं, मेरे कोई बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है, बस ऐसे ही आ रहे हैं। बट मैंने कभी भी इन चीज़ों का सहारा नहीं लिया कि ये सेटिंग कर लो वो सेटिंग कर लो। हाँ, टाइटल वगैरह टैक्स में डालता हूँ जो कि डालने भी चाहिए, थोड़े बहुत फर्क उनसे पड़ता है, बट ये नहीं कि कोई सेटिंग कर लो या वहाँ का टैग इधर डाल दो या किसी का चैनल का नाम अपने में डाल दो तो वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग। आई होप आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिली हो, अगर नॉलेज मिली तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए गुड बाय।